हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिविटी 3.11 की बातचीत करेंगे। तो कि चैप्टर 3 नॉन मेटल एंड नॉन मेटल की एक्टिविटी 3.11 है, और ये एक्टिविटी हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि मेटल जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हम समझाने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 5 टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड है, और ये लिक्विड जो है पार्टिकुलर लिक्विड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये 5 टेस्ट ट्यूब में मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, करस्पॉन्डिंग जो मेटल मैंने लिख रखा है उसमें मैं डालता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैं मैग्नीशियम ऐड करता हूँ, तो बबल्स की फॉर्मेशन देखो। तो आपको बबल्स की फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कि बबल्स कैसे बन रहे हैं वहां पे। दूसरे में है एल्यूमिनियम, तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐड करता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम ऐड करने के वक्त आप देखोगे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, एल्युमिनियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनिशियली इनिशियली रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जितने भी होते हैं उनके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, परत चढ़ी होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत को खत्म कर देता है और कुछ देर के बाद रिएक्शन होती है। हालांकि हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड का प्रयोग करेंगे तो ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है। कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है प्रोटेक्टिव एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसको तुरंत खत्म कर देता है। कंसनट्रेटेड एसिड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर को तुरंत खत्म कर देता है, तो इसलिए वहां पर रिएक्शन जल्दी होने लगते हैं। जिंक डालते हैं दूसरे में हम लोग, तीसरे में, गुड। और इसके बाद हम लोग आयरन नेल चौथे में डाल देते हैं। और हम पांचवें टेस्ट ट्यूब में कॉपर नेल को डाल देता हूं। कॉपर मेरे पास कॉपर जो है टर्निंग है, तो कॉपर टर्निंग का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि आप कॉपर का वायर जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। नाउ अब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब को देखते हैं। एल्युमिनियम को तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं, मैग्नीशियम वाले को, जिंक वाले को, और हम लोग आयरन वाले को देखते हैं। तो एक कंपेयर करो किसमें ज़्यादा बबल्स रिलीज हो रहे हैं। तो आपको वाइट जो सर्फ जैसा पोर्शन है मैग्नीशियम में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बबल बन रहे हैं, और इसमें जो है उसके बाद जिंक में बन रहे हैं, और उसके बाद आयरन में बन रहे हैं। मैग्नीशियम में आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा वाइट जैसा पोर्शन, तो आप बबल्स फॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये तीन चीजों को देखो, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। और अगर हम लोग कॉपर को देखें तो कॉपर में तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, कॉपर में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई बबल ही नहीं बन रहा है, जैसे था वैसे ही है। तो कॉपर में हम लोग कोई रिएक्शन नहीं होता है कॉपर। नाउ हम लोग बातचीत करते हैं टेम्परेचर राइज की। इनिशियली जो हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका टेम्परेचर जो था 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं मिक्सर को इसको ड्रॉप करता तो 30 डिग्री सेल्सियस आता है, मैंने देखा है, राइट। अब इसको मैं इंसर्ट करके देखता हूँ थर्मोमीटर को। तो मैं मैग्नीशियम में इंसर्ट करता हूँ और देखता हूँ कितना आता है, और आप भी इसको देखो। तो यहाँ पे आपको जो रेड कॉलम है आपको देखना है, राइट। तो ये रेड जो है 60 है, आपको दिख रहा है रेड 60 पे है। तो ये 60 डिग्री था इनिशियली, 30 था, अभी जो है इसका टेम्परेचर 60 आया। तो यानी जो है ये 30 डिग्री से इसका टेम्परेचर राइज हुआ। इसका मतलब जो टेम्परेचर ज़्यादा राइज होता है, तो हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा राइज होता है तो निश्चित रूप से उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसमें टेम्परेचर राइज होता है। इसका देख लेते हैं हम लोग।
तो रेड वाला आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रेड आपको दिख रहा होगा 40 है, तो इसका 10 डिग्री से राइज हुआ। इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका रेड वाला पोर्शन आप नोट करो, राइट। अगर आप नोट करोगे तो रेड वाला पोर्शन आपको 35 नजर आएगा, तो इसमें सबसे कम राइज होता है। और इसका देख लेते हैं, इसका तो राइज ही नहीं हुआ होगा ना, जो 30 होगा 30 है, तो आप देख सकते हो इसका जो 30 है, इनिशियली जो टेम्परेचर था 30 पे था सबका, तो 30 पे ही इसका टेम्परेचर सेट रहेगा। तो इसमें इन सभी में रिएक्शन हो रहे हैं, इसीलिए इन सभी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और सबसे ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस से मैग्नीशियम का टेम्परेचर राइज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से। तो ये हमें सूचित करता है कि मैग्नीशियम वाला जो है उसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद जिंक वाले में, उसके बाद आयरन वाले में, और इसमें तो कोई हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। तो मैग्नीशियम वाला जो है सबसे ज्यादा वायोलेंट रिएक्शन है, बिग्रेस रिएक्शन है, और सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक है। और एल्युमिनियम को हम लोग जो है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वक्त लगाता है, तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं, आधा घंटा, और आधा घंटा के बाद हम लोग देखेंगे जब रिएक्ट करने लगेगा तब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। अभी फिलहाल तीनों में अगर हम लोग कंपेयर करें, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन में, तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें रेट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, और जिंक उस पर कम, और इसमें एफी में उससे कम बबल फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब कुछ नोट कर लेते हैं। जब एल्यूमिनियम हमारा रिएक्ट करेगा इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब मैं उसको उस समय आपको दिखा दूंगा। एल्यूमिनियम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है इनिशियली, क्योंकि इस पे एक ऑक्साइड लेयर होता है। धीरे धीरे ऑक्साइड लेयर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म कर देता है, उसके बाद ये रिएक्ट करता है। हालांकि कंसनट्रेटेड एसिड है, तुरंत खत्म कर देता है, तो इसलिए एल्युमिनियम जो है कंसनट्रेटेड एसिड से जल्दी रिएक्ट कर लेता है। 3.11 में हमारा जो रिएक्शन है, मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल के बनाते हैं मेटेलिक क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, अगर एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, अलग अलग मेटल लेंगे तो उस मेटल का करेस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड हमें मिलेगा। Mg जो है रिएक्ट करता है मोस्ट विग्रेसली, यानी सबसे तेज गति से, सबसे तेजी से, यानी मैग्नीशियम वाला सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी इसका रिएक्टेंट जो है खत्म हो जाएगा और सबसे जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा विग्रेस रिएक्शन होता है, रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन जो होता है मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा होता है ये वाला। राइज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मैग्नीशियम विथ एच सी एल इज हाइएस्ट, जो मैग्नीशियम का केस में हम लोगों ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 30 डिग्री सेल्सियस से हाई राइज किया था, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। सो ये रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा एक्जोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूसिंग। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ एच सी एल, कॉपर जो है रिएक्ट ही नहीं करता है इनिशियली। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एच सी एल, डाइल्यूट से एच सी एल से रिएक्ट नहीं करता है, एज प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इज प्रेजेंट ऑन एल्यूमिनियम सर्फेस। एल्यूमिनियम के जो सर्फेस होते हैं उसमें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होते हैं, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको खत्म करेगा, उसके बाद रिएक्ट करना चालू करेगा। और इन सभी से हम लोग रिएक्टिविटी की हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि तो मैग्नीशियम जो है सबसे ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, तो इसलिए मैग्नीशियम सबसे पहले होगा, एल्युमिनियम उसके बाद, जिंक उसके बाद, और आयरन उसके बाद, और कॉपर उसके बाद। मैं आपको एल्युमिनियम का दिखा देता हूँ, एल्युमिनियम का जब होगा ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 30 मिनट के बाद का सीन है, यहां पर देखोगे तो अब जो है एल्युमिनियम हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना चालू कर दिया। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड लेयर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको खत्म कर दिया है, और इसके कारण से ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बबल्स नजर आएंगे, तो अगर बबल्स को आप देखो तो ये मुझे मैग्नीशियम से कम नजर आ रहा है और जिंक से ज्यादा नजर आ रहा है, राइट। ये मैग्नीशियम से कम है और जिंक से, रेट ऑफ जो बबल्स फॉर्मेशन है और मैग्नीशियम से कम है और जिंक से ज्यादा है। इसकी हम लोग टेम्परेचर को देख लेते हैं, टेम्परेचर की राइज देख लेते हैं, कितनी टेम्परेचर में राइज थी, शुरुआत में 30 था, अभी कितना है इसकी टेम्परेचर। राइट नाउ इसकी जो टेम्परेचर है वो 42 पे है, 42 है।
शुरुआत में इसका 30 था, अभी जो है इसका 42 है। तो ये जो होता है एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी जो होती है मैग्नीशियम से कम होगी और जिंक से ज़्यादा होती है। और इसको हम लोगों ने लिख के रखा था, यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो होप आपको ये जो डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट है वो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।